हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, साथ ही पार्टियां सत्ता हासिल करने का संकल्प लिए अपने अपने पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में जुट गए हैं। पार्टियों को जहां एक ओर यकीन है कि जितना विशाल प्रचार होगा जीत उतनी ही विकराल होगी, वहीं दूसरी ओर मुख्य पार्टियों के बीच निर्दलीय प्रत्याशियों का खौफ और भी भयावह बना हुआ है। अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो हरियाणा की राजनीति में निर्दलीय कई बार किंगमेकर यानी हारी हुई बाजी को अपने नाम करने वाले रहे हैं। हालांकि इस बार की बात भी अगर करें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि दोनों पार्टियों के 57 बागी भी चुनाव के मैदान में अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए कूद पड़े हैं, जिससे कई दिग्गजों के सीट भी फंस गए हैं। हरियाणा की राजनीति में निर्दलीय विधायक अक्सर किंग मेकर साबित हुए हैं। यहाँ पर काबिले गौर है कि एक समय ऐसा भी था जब विधानसभा में 16 विधायक निर्दलीय पहुंचे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने दूसरे कार्यकाल वर्ष 2009 में 7 निर्दलियों के समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनाई। इससे पहले 1982 में 16 विधायकों के बूते भजन लाल मुख्यमंत्री बन पाए थे। पिछली बार 2019 में भाजपा ने भी निर्दलीय विधायकों के सहारे अपनी सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बात करें अगर रोहतक की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। यही कारण है कि 2019 के चुनाव में 4 विधानसभा सीटों में से 3 में से कांग्रेस जीती थी। एक सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू चुनाव जीते थे। महम विधानसभा में इस बार भी सूरत नहीं बदल रही। महम सीट के लोगों का कहना है कि कुंडू हमारे बीच में रहते हैं। ऐसा हाल सिर्फ महम का नहीं बल्कि कई और ऐसी सीटें हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार खेल बिगाड़ रहे हैं। ऐसी दूसरी सीट है हिसार से, जहां सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं। सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी से टिकट मांगा था मगर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने निर्दलीय ही तार ठोक दी। जब ग्राउंड रिपोर्ट की टीम ने हिसार में गरीब तबके से बात की तो उन्होंने सावित्री जिंदल का नाम लिया। लोगों का कहना है कि सावित्री जिंदल बहुत अच्छी है और दयालु भी है। हमारी बात कौन सुनती है? बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी को सीधे मुंह बात नहीं करते। ऐसा ही कुछ दृश्य अंबाला कैंट का देखने को मिला। वैसे तो ये अनिल विज का गढ़ माना जाता है। अंबाला कैंट से अनिल विज लगातार 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, मगर इस बार कहानी अटक रही है। विज को इस बार संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ से कांग्रेस ने परविंदर सिंह परी को टिकट दिया है, मगर सीधे मुकाबले में निर्दलीय चित्रा सरवारा से है। चित्रा कांग्रेस में थी मगर टिकट न मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय तार ठोक दी। चित्रा बेहद मजबूत दिख रही हैं, तो ऐसा कई जगहों पर है जहां निर्दलीय बाजी जीतते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन होगा क्या, यह विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।